नागरिकों को मेरा नमस्ते। आजकल के युवा को खुद का बिजनेस शुरू करने में बहुत ज्यादा रुचि होती है, पर ऐसे में बड़ा सवाल ये आता है कि कौन सा ऐसा व्यवसाय है जो शुरू किया जा सकता है, और साथ ही बिजनेस शुरू करने के लिए कौन सी ऐसी जगह है जो प्रॉफिटेबल साबित हो सकती है और अच्छी साबित हो सकती है। क्योंकि जब भी बिजनेस शुरू करते हैं तो लोकेशन प्लेज अ वेरी मेजर रोल। लोकेशन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है जब हम बिजनेस शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, मध्य प्रदेश जो दूसरा सबसे बड़ा राज्य है पूरे भारत में, अगर हम एरिया की बात कर रहे हैं तो ये प्रेफर्ड स्टेट है किसी के लिए भी जब वो अपना बिजनेस, खुद का बिजनेस शुरू करने का सोच रहा है। तो क्योंकि यहाँ पे साथ में ये बता दूँ, मध्य प्रदेश अपने इंडस्ट्रीज और अपने एग्रीकल्चर यानी कि कृषि के लिए बहुत ही जाना जाता है, और यही कारण है कि आज बहुत से कॉर्पोरेट कंपनीज हैं जो खुद का अपना बिजनेस वहाँ पे शुरू करना चाहते हैं। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि ये राज्य जो है पारंपरिक उद्योग के लिए प्रचलित है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि मध्य प्रदेश चौथे स्थान पर आता है जब हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कर रहे हैं। तो अब ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आखिर होता क्या है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बेसिकली ये इंडिकेट करता है कि जब भी आप कोई भी बिजनेस शुरू कर रहे हैं किसी भी राज्य में, तो वहां पे आपको किसी भी तरह का दिक्कत ना आए, कोई भी रेगुलेशंस जो है आप फॉलो कर सको, वो इजी हो फॉलो करने के लिए। क्योंकि वहां की लोकल अथॉरिटी जो है हर स्टेट का अलग अलग रूल्स होता है जो इम्प्लीमेंट होता है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हिसाब से मध्य प्रदेश चौथे स्थान पर आता है, यानी कि यहाँ पे आप अपना बिजनेस आसानी से शुरू कर सकते हैं। तो आज अगर आप एक स्मॉल स्केल बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, या मिड स्केल बिजनेस शुरू करना है, या फिर आपको लार्ज स्केल यूनिट शुरू करना है, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं मध्य प्रदेश में, कौन सा ऐसा बिजनेस हो सकता है जो वहां पे आप शुरू कर सकते हैं, ताकि आपको पता लग सके, आपको ये आइडिया आ सके कि कौन सा ऐसा बिजनेस है जो आज अगर मैं शुरू करता हूँ या करती भी हूँ तो आगे चलकर इन फ्यूचर भी इसका जो स्कोप है वो ज्यादा होगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नमिता पांडे और आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत है। और इस वीडियो में हम जानेंगे सम ऑफ द 5 मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडियाज आप मध्य प्रदेश में शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहला बिजनेस आइडिया मैं आपको दूंगी, टेक्सटाइल बिजनेस यानी कि कपड़े का बिजनेस। मध्य प्रदेश अपनी हाथ से बनी हुई कारीगरी यानी हाथ से बनी हुई कलाकृतियों के लिए विशेष जाना जाता है, इसे हम हैंडीक्राफ्ट भी बोलते हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं, आज के समय में 55 से भी ज़्यादा टेक्सटाइल यूनिट्स हैं मध्य प्रदेश में, जिनका सालाना $325 मिलियन का जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा ये इंडस्ट्री है, कितना बड़ा ये स्कोप है, बिजनेस स्कोप है। तो ये एक बहुत ही अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है अगर आप एक स्मॉल स्केल यूनिट में कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, अगर आप मध्य प्रदेश में टेक्सटाइल बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ऐसे दो टेक्सटाइल हैं, दो कपड़े हैं जो है महेश्वरी और चंडेरी, जिसका जो डिमांड है वो पूरे साल ज़्यादा ही रहता है। साड़ी के अलावा, ये दोनों प्रकार के हैं जो साड़ी हैं, इसके अलावा आप जीन्स का भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू कर सकते हैं मध्य प्रदेश में। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, ऐसे जगह जो हैं इंदौर, जबलपुर, बुरहानपुर और चिंदवाड़ा, ऐसे ये 4 जगह हैं बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं और ये टेक्सटाइल क्लस्टर के नाम से भी कहलाते हैं। यानी कि ये 4 लोकेशंस को, इन 4 जगहों को हम मध्य प्रदेश के टेक्सटाइल क्लस्टर से भी पहचान सकते हैं। तो अगर आप एक टेक्सटाइल बिजनेस शुरू करना चाहते हैं मध्य प्रदेश में तो आप इन 4 लोकेशंस में शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा मैं ये बता दूं आपको कि इस बिजनेस की डिमांड इतनी ज़्यादा है कि अब सरकार भी बहुत सारे अवसर प्रदान कर रही है सारे न्यू बिजनेसेस लोगों को, एंटरप्रेन्योर्स को, कि वो टेक्सटाइल बिजनेस अपना खड़ा करें, अपना शुरू करें मध्य प्रदेश में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्कीम्स हैं और साथ ही फाइनेंशियल असिस्टेंस भी आपको सरकार दे रही है। अगला फैसिनेटिंग बिजनेस आइडिया मैं आपको ये दूंगी कि आप एक टूर गाइड बन जाएं। जी हाँ, मध्य प्रदेश अपने रिच कल्चरल हेरिटेज, साथ ही हिस्टोरिकल प्लेस और साथ ही वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के लिए बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। देसी और विदेशी दोनों ही पर्यटन यहाँ पर यात्रा करने आते हैं। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि आज COVID-19 रिस्ट्रिक्शंस को कम करने की वजह से और भी जो डोमेस्टिक है यानी कि देसी और साथ ही विदेशी जो पर्यटन है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग मध्य प्रदेश में विजिट करेंगे। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, बहुत सारे ऐसे जगह हैं, फॉर एग्जाम्पल सांची है, फॉर एग्जाम्पल खाजुराहो है, उज्जैन है, कान्हा है, बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हैं अगर हम टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बारे में बात करें। तो
जो कि राज्य पर्यटन और अपने रिच कल्चर की वजह से प्रचलित है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो ये स्थानीय लोगों के लिए बहुत ही अच्छा बिजनेस आइडिया है, वो यहाँ पे एक टूर गाइड बन सकते हैं। तो आज अगर आपको मध्य प्रदेश के कल्चर के बारे में पता है, मध्य प्रदेश के हिस्ट्री के बारे में पता है, और साथ ही आप अपने टूरिस्ट लोगों को जो भी विजिट करता है स्टेट को, उनको बता सकते हैं कौन कौन से ऐसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है कि वो विजिट कर सकते हैं, बहुत से फेमस जगह हैं, तो यहाँ पर आप एक टूरिस्ट गाइड डेफिनेटली बन सकते हैं और इससे भी एक प्रॉफिट कमा सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। यहाँ पर साथ ही मैं ये बता दूँ, अगर आपको एक टूरिस्ट गाइड बनना है मध्य प्रदेश में तो आपको लोकल अथॉरिटी से लाइसेंस लेनी पड़ेगी और इसके साथ ही बाकी ये रेगुलेशंस भी हैं जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगला बिजनेस आइडिया मैं आपको ये दूंगी कि आप एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट शुरू कर दें मध्य प्रदेश में। अब ये फूड प्रोसेसिंग यूनिट आखिर होता क्या है? जो एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल्स है उसे अगर हम फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो इसी को हम फूड प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। इसका बेसिक सा मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास गेहूं है, गेहूं से हम आटा बनाते हैं और उसी आटे से हम ब्रेड भी बना सकते हैं, तो आपका जो ये ब्रेड है ये फिनिश प्रोडक्ट होगा फ्रॉम द रॉ मटेरियल, फ्रॉम द एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल। तो फूड प्रोसेसिंग यूनिट भी आप खड़ा कर सकते हैं, ये एक लार्ज स्केल बिजनेस आइडिया है अगर आपको शुरू करना है मध्य प्रदेश में। ये भी बहुत एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है जो आप इस स्टेट में शुरू कर सकते हैं। ये बिजनेस आइडिया मैं आपको इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मध्य प्रदेश एक बहुत ही बड़ा कृषि आधारित राज्य है, यही कारण है कि आप ये बिजनेस यहाँ पे शुरू कर सकते हैं। भारत में मैं आपको बता दूँ फूड प्रोसेसिंग यूनिट का सालाना टर्नओवर जो है वो 65 मिलियन US डॉलर का है, जिसमें मध्य प्रदेश का जो योगदान है बहुत बड़ा है क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो है बहुत ज़्यादा उगते हैं और यही एक्सपोर्ट भी होते हैं। तो अगर आप भी मध्य प्रदेश में काम करना चाहते हैं, कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं ऑन अ लार्ज स्केल बेसिस, तो आप फूड प्रोसेसिंग यूनिट शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर आपको फूड प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ पे शुरू करना है, यहाँ खड़ा करना है और साथ ही आपको ह्यूज प्रॉफिट चाहिए, तो इसके लिए आपको थोड़े लीगल प्रोसेस हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो वाला लाइसेंस चाहिए, और इसके अलावा अगर आप एक इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग बहुत सारे लीगल लॉज हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, प्रोसीजर हैं, लोकल अथॉरिटी से आपको जानने पड़ेंगे और तब आप अपना ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू करना चाहते हैं तो एक स्पेसिफिक लोकेशन होता है जहाँ पे आप शुरू कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये बिजनेस सिटी के बीच में नहीं खड़ा कर सकते, आपको सिटी के बाहर जाके शुरू करना होगा, तो ऐसे बहुत सारे रेगुलेशंस हैं जिसके बारे में आपको जानना बेहद ज़रूरी है और तभी जाके आप ये यूनिट मध्य प्रदेश में शुरू कर सकते हैं। अगला आइडिया मैं आपको ये दूंगी कि आप एक लाइव स्टॉक फीड प्रोडक्शन शुरू करें, यानी कि पशुधन फीड उत्पादन। मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश पशुधन उत्पादन में समृद्ध है, यहाँ पे इस राज्य में आप बहुत सारे फार्मिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप डेयरी फार्मिंग कर सकते हैं, आप मुर्गी पालन कर सकते हैं, आप हैचरी कर सकते हैं, आप बकरी पालन कर सकते हैं, तो ये कुछ लोकप्रिय फार्मिंग है जो आप शुरू कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको ये बता दूँ लाइव स्टॉक रेयरर लोगों के लिए जो मध्य प्रदेश की सरकार है वो बहुत सारे स्कीम्स लेकर आ रही है, फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दे रही है, आपको आर्थिक रूप से मदद भी दे रही है ताकि आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा ज़्यादा हो सके और साथ ही आपका जो इनकम है आय है वो भी बढ़ सके। तो अगर आप एक स्मॉल स्केल बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, शुरू करने के लिए सोच रहे हैं, तो ये भी बहुत एक प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडिया है जो आप यहाँ पे शुरू कर सकते हैं। अगला बिजनेस आइडिया है पापड़ बिजनेस। ये बहुत ही अच्छा बिजनेस आइडिया है अगर आप एक स्मॉल स्केल बिजनेस भी शुरू कर रहे हैं, अगर आप एक होम मेकर हैं फॉर एग्जाम्पल, या फिर अगर आपको एक छोटा सा बिजनेस शुरू करना है घर बैठे बैठे ही, तो ये भी एक बहुत अच्छा आइडिया है। ये बिजनेस आइडिया मैं आपको इसलिए दे रही हूँ क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो चावल, चना, सरसों और मक्का ऐसे इस राज्य में कुछ ऐसे प्रमुख फसलें हैं जो बहुत आसानी से उगते हैं और ज़्यादा उगते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में उगते हैं, और यहाँ पे आपको अगर आप मध्य प्रदेश में रहते हैं और आपको पापड़ बनाने हैं तो ये मेजर इंग्रेडिएंट्स भी हैं जो पापड़ बनाने के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे जो रॉ मटेरियल्स आप खरीदते हैं वो कम कॉस्ट में आपको मिल जाएगा और साथ ही आपको जो बिज़नेस है वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकता है क्योंकि इस बिज़नेस का जो डिमांड है बहुत ही ज़्यादा है थ्रू आउट इंडिया, यानी कि मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि आप दूसरे स्टेट्स को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं और साथ ही जो स्नैक कंपनीज हैं उनके साथ टाई अप कर सकते हैं ताकि आप उन्हें बेच सके और इसके थ्रू आप प्रॉफिट कमा सके, क्योंकि पापड़ का डिमांड इतना ज़्यादा है थ्रू आउट इंडिया, पूरे भारत में इसका डिमांड इतना ज़्यादा है, तो आप आसानी से किसी के साथ टाई अप कर सकते हैं। और आखिरी बिजनेस आइडिया मैं आपको ये दूंगी कि आप एक फास्ट फूड सेंटर शुरू कर दें, खड़ा कर दें। अब खाना खाना किसे पसंद नहीं है, अन्य भारतीय राज्यों के ही तरह मध्य प्रदेश भी अपने फास्ट फूड और साथ ही स्ट्रीट फूड के लिए बहुत ज़्यादा प्रचलित है। मध्य प्रदेश में कई लोकप्रिय फास्ट फूड हैं जैसे कि पोहा है,
पाव भाजी है, पूरी पालक है, एक्सेट्रा, बहुत सारे ऐसे लोकल फूड हैं जिसके लिए फॉरेन टूरिस्ट भी आते हैं और फूड ब्लॉगिंग करते हैं और इसे टेस्ट करने, स्पेशली ऐसे फूड को टेस्ट करने के लिए वो मध्य प्रदेश विजिट करते हैं। तो अगर आज आप एक फास्ट फूड सेंटर भी शुरू करते हैं ऑन अ स्मॉल स्केल बेसिस, तो यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम लगेगा और ये प्रॉफिटेबल भी होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डिलीवरी पार्टनर्स भी हैं, सर्विसेज भी हैं जो आपका बिजनेस ग्लोबल करने के लिए, यानी कि और ज़्यादा प्रचलित करने के लिए वो आपकी मदद करते हैं। तो खाने का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो बहुत ही कम समय में बहुत ही जल्दी बढ़ता है। इसके अलावा मैं और एक बिजनेस आइडिया आपको ये दूंगी कि आप सीमेंट इंडस्ट्री या फिर सीमेंट बिजनेस करें, यानी कि मध्य प्रदेश, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, एक थर्ड लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसिंग स्टेट है पूरे अगर भारत में अगर हम देखें तो, मध्य प्रदेश में, क्योंकि ये एक मिनरल स्टेट है, तो यहाँ पे आप सीमेंट बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। आज बहुत सारे बड़े बड़े जो सीमेंट कंपनीज हैं, जैसे कि बिरला सीमेंट है, डायमंड सीमेंट है, ACC सीमेंट है, विक्रम सीमेंट है, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े कंपनीज, सीमेंट कंपनीज हैं जिन्होंने अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वहां पे शुरू किया है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, ऐसे में आप उनका फ्रेंचाइजी लेकर यहां पर मध्य प्रदेश में अपना एक यूनिट शुरू कर सकते हैं। तो फ्रेंचाइजी लेना भी, मैं आपको बता दूं, बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल आइडिया है। तो ये थे कुछ प्रॉफिटेबल बिजनेसेस अगर आप हार्ट ऑफ इंडिया यानी कि मध्य प्रदेश में रहते हैं तो, और वहां पे अगर आपको कोई भी बिजनेस शुरू करना है तो ये ऐसे बिजनेस हैं जो आप आसानी से स्मॉल स्केल में भी स्टार्ट कर सकते हैं और बहुत ही कम रुपए निवेश कर भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हुए इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान मिला होगा और आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही हमको कमेंट कर ये बताएं कि आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं, किस राज्य में आप रहते हैं, ताकि हम आपको बता सकें कि आपके राज्य में कौन सा बिजनेस बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है अगर आपको कोई भी बिजनेस शुरू करना है तो। साथ ही आपको दूसरे बिजनेस आइडियाज चाहिए, आप किसी भी राज्य में रहते हैं और साथ ही आपको सीखना है प्रैक्टिकली कि कैसे कोई भी बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं फ्रॉम स्क्रैच, तो उसके लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रीडम ऐप। आप फ्रीडम ऐप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर दोनों से ही डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही लिंक भी दिया गया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, जिसे क्लिक कर आप फ्रीडम ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रीडम, गेट वाइज, ब्रेक फ्री।